जब पूरा देश हीट वेव से जूझ रहा है, तो उस समय टीवीएफ वालों ने रिलीज किया अपना तीसरा सीजन पंचायत का, और वो एक ऐसी ठंडी पवन का झोंका है जो आपको इस पूरी गर्मी में एक राहत देने वाला है। और मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा शो है जो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। बच्चों की छुट्टी होगी, आप उनके साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक कंप्लीट पैकेज है इंटरटेनमेंट का। चलिए बात कर लेते हैं इसके रिव्यू की। इसको डायरेक्ट किया है दीपक कुमार मिश्रा ने, और दीपक कुमार पहले दो सीजन भी उन्होंने डायरेक्ट किए थे। और उनकी एक ही यूएसपी कि मैं इसको बहुत सिंपल रखूंगा, जो गांव का एक्चुअल कल्चर है, जो एक्चुअल इश्यूज हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे पिछली बार आपने शौचालय निर्माण वाली चीज़ को देखा था, हाईलाइट किया गया था, इस बार आवास योजना को टारगेट किया गया। वो एक ही टॉपिक पिक करते हैं और उसी के आसपास उसको ताना बाना बुनते हैं और उसको लेके जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि बहुत स्लो रहता है स्टार्टिंग में और फिर क्लाइमेक्स में जाके वो कुछ, ये उनका एक पैटर्न है। सारा बारूद वो बाकी के एपिसोड में फिल करते हैं और आखिरी में जाके धमाका करते हैं। आखिरी एपिसोड जिसका क्लाइमेक्स वाला एपिसोड है वो बेहतरीन है, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। एक फाइट हुई थी बागपत में चाट बेचने वालों के बीच में, बिल्कुल आपको वही वाला फील एकदम दिखाई देगा इसके क्लाइमेक्स में। बेहतरीन उसको लिखा गया है, उसको बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफी की गई है। इसके अलावा इसकी राइटिंग की बात करते हैं, इसके राइटर हैं चंदन कुमार, अच्छा लिखा है। जैसे जो चैलेंजेस हैं गांव के और जो लोग षड्यंत्र भी रचते हैं, जो लोगों की पॉलिटिक्स रहती है, प्रधानी का चुनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से उन्होंने कैप्चर किया और उसको लेके आए। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ उसको टच करने की कोशिश की, उन्होंने पूरा उस माहौल में ढाला है ऑडियंस को अभी तक, और उसी चीज़ को उन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश की। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से लेके जा रहे हैं, तो शायद चार इसके सीजन आने हैं, तो अगला सीजन इसका अल्टीमेटली कंक्लूजन होगा, और मुझे लग रहा है वो बहुत बेहतरीन कुछ लेके आएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस। तो स्टार्ट हुआ था जब ये पंचायत, तो सब कुछ दारोमदार था जितेंद्र कुमार के ऊपर, लेकिन धीमे धीमे मैं देख रहा हूँ कि ये जो एक शो को कैरी करने की बात आती है, वो चीज़ धीमे धीमे जितेंद्र से ये फैजल मलिक यानी कि प्रहलाद, फिर रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, सानविका, इन सब पे आ गई है। मुझे लग रहा है कि इन सब ने ऐसा इसको संभाल रखा है परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सब कुछ जितेंद्र कैरी कर रहे हैं टीवीएफ की साइड से। सब लोगों की परफॉर्मेंस आप देख के ऐसा लगता है कि वो उसी किरदार के लिए बने हैं। आप सोच के देखिए, रघुवीर यादव का किरदार कोई और अच्छा निभा नहीं सकता है प्रधान जी के रोल में। तो मुझे लग रहा है कि ये सब रे रोल जो लोग प्ले कर रहे हैं बेहतरीन चॉइस हैं और उनकी परफॉर्मेंस उम्दा है। इसके अलावा जो कुछ और करेक्टर्स थे, जैसे पंकज झा जो विधायक के रोल में, बेहतरीन परफॉर्मेंस नेगेटिव के हिसाब से। दुर्गेश कुमार यानी कि जो भूषण बना हुआ है, जो बन राकस भी है, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी। ऑल्दो इस बार बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ है, बहुत नए करेक्टर्स नहीं आए, पुराने करेक्टर्स जो आपने देखे थे वो ज़्यादा ही डोमिनेट किए हैं, लेकिन फिर भी मैं मेंशन करूँगा जो दादी का रोल था, बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। क्या ही जो एक कपट वाली जो एक्टिंग होती है ना, वो बहुत ही बेहतरीन की है। इसके अलावा विधायक की बेटी को दिखाया गया, वो थोड़ा सा समझ में आया कि क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है अगले सीजन में उसका कोई सिग्निफिकेंस दिखाई दे। इसके अलावा एक दो और सपोर्टिंग रोल है जो मैं बोल सकता हूँ कि सुनीता थी क्रांति देवी के रोल में, उनकी परफॉर्मेंस, अशोक पाठक उनकी परफॉर्मेंस सपोर्टिंग रोल में बेहतरीन थी, आपको पसंद आएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा वेब सीरीज है जो आपको एक रियल पिक्चर दिखाता है अपने देश की, और जो रियल इश्यूज हैं उसकी बात करता है, और उसके साथ साथ एक कॉमेडी का जो एक तड़का है वो देता है। तो मुझे लग रहा है कि कंप्लीट एंटरटेनमेंट फैमिली पैकेज है जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के इस गर्मी में एंजॉय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 4 स्टार 5 में से।